स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिजल्ट कैसे बनाते हैं। जैसा क्या है कि अगर अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, या मेरे चैनल का प्लेलिस्ट जो भी है उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो भी है। क्योंकि आपको बेसिक देखना ज़रूरी है उससे पहले कि यह कैसे हेडिंग बनाते हैं, रो कॉलम क्या होता है, ये सब जानना ज़रूरी है। चलिए, अब रिजल्ट बनाने के पहले अब यहाँ पे एक तो हेडिंग के लिए हम छोड़ देते हैं रो, यहाँ पे हेडिंग देंगे हम, और यहाँ से शुरू करते हैं रोल नंबर। सबसे पहले रोल नंबर, और उसके बाद क्या है, नेम, स्टूडेंट का नेम। हम शॉर्ट में बना रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए, नेम के बाद यहाँ पे आप अब सीधा आप कहें तो सब्जेक्ट के नाम दे सकते हैं, मैथ्स दे सकते हैं, SCIENCE। देखिए, साइंस लिख दिए। तो दोस्तों, इसको अगर आगे आपको जाना है तो यहाँ पे आगे जाना, तो टैब दबाता टैब जैसे दबाइएगा तो ये आगे चला जाएगा। ये जैसे क्या है कि अब बेसिक में आपको बताया गया ये सब। अब है सोशल साइंस, SST सोशल साइंस। अब एक ले लेते हैं हिंदी, हिंदी ले लीजिए, और एक ले लीजिए इंग्लिश, इंग्लिश। एक बेसिक रिजल्ट बनाना बताया जा रहा है आपको, ठीक है। और दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि अब यहाँ से आप पहले रोल नंबर भर लीजिए, 1001 100 यहाँ पे 1002। हालांकि ये रोल नंबर मान के चलते हैं, यहाँ पे नाम भरना है राजा हुसैन, हुसैन आलम, यहाँ पे आप जो भी रोल नंबर भर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्क्स भरना है कुछ, तो हम मार्क्स आपको भर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स। दोस्तों, अब ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पे फिल करना है। जैसे क्या है कि हमने सारे नंबर फिल कर लिए हैं, किसको कितना मिला है यहाँ पे, और इसमें कुछ लोगों को हम फेल भी कर देते हैं। फेल तो अब रिजल्ट डिसाइड करेगा जब तक हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कुछ लोग कम भी नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 30 से भी कुछ कम हो यहाँ पे। यहाँ पे एक आपको डेटा देना पड़ेगा, पास मार्क्स, पास मार्क्स। मान लीजिए पास मार्क्स यहाँ पे आपको कितना देना है, 30 पे रखना है, पासिंग, पासिंग 30 पे आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स, ऑप्टेन, ऑप्टेन मार्क्स। अब ऑप्टेन मार्क्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे ये सारे सब्जेक्ट में आप कितने नंबर प्राप्त किए हैं, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स निकालना पड़ेगा, जैसे टोटल कितना हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू। देखिए, दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, तो हम पहले बेसिक वाला तरीका आपको बताते हैं, एकदम जीरो लेवल से जो है, उसके बाद फिर एक नया फार्मूला आज आपको हम बताएंगे जिसका नाम है सम, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इक्वल टू, ये इक्वल टू, यहाँ पे C3 क्यों आ गया, क्योंकि ये C और 3 नंबर पे है। ये बेसिक वीडियो में सब चीज़ बता दिया गया है, आप देखिएगा तो वहाँ क्लियर होगा। फिर प्लस दे देंगे, फिर यहाँ से ये वाला क्लिक करेंगे, साइंस का मार्क्स, फिर प्लस SST का मार्क्स, फिर प्लस हिंदी का मार्क्स, फिर प्लस इंग्लिश का मार्क्स। उसके बाद ये कितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, इतना ही रहेगा। अब इसके बाद एंटर करेंगे, तो पहला तरीका आपको बता दिया हमने, क्या कर दिया, जो ऑप्टेन मार्क्स को ऐड किया जाता है, ये पहला तरीका था, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए अब इसमें बहुत समय लग रहा है, क्योंकि मैथ प्लस साइंस का प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला बार में दिख रहा है फार्मूला। तो क्या है, इसके लिए एक तरीका नहीं है, एक इजी फार्मूला होगा ना, तो जिसका नाम है सम। तो सम जानने से पहले इसका सिंटेक्स देखिए, कैसे पता चलता है सिंटेक्स कैसे क्या होता है। इक्वल टू सम करेंगे, सम करने के बाद ब्रैकेट आप ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे सम लिखिएगा तो ये फार्मूला शो होने लगा सम। तो देखिए, या तो स्विफ्ट के साथ आप 9 वाला बटन प्रेस करके ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ये भी तरीका सही है। लेकिन एक और बात ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू कोई भी फार्मूला देने से पहले, इक्वल टू देने के बाद जैसे ही फार्मूला का नाम लिखेंगे तो सम आ गया, तो टैब दबाएंगे ना, टैब, तो टैब से अपने आप क्या होता है, ब्रैकेट ओपन हो जाता है। देखिए ध्यान से, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए, ये जो नंबर 1 नंबर 2 आया है, इसी को बोलते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है कि जिस पे मुझे कार्य करना है। अब बात यह है कि फार्मूला तो आपको दे दिया गया, सम फार्मूला है, लेकिन सम के अंदर ये नंबर क्या
ये रेंज नेर रेंज होता है, जो नंबर दिख रहा है नंबर वन नंबर टू, ये क्या होता है रेंज होता है। तो इसके अंदर आपको नंबर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यही सिंटेक्स होता है जिस पे कार्य करना है, फॉर्मूला वो आपको निर्देश देता है कि ये सिंटेक्स है, इसी पे आप कार्य कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक सारे सब्जेक्ट का नंबर ऐड कर लेंगे। अब देखिए क्या करें, सी फोर ये कॉलन जो है इसको रेंज बोलते हैं, जी फोर, तो मतलब जी फोर सी फोर। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। दोस्तों एक बार और फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू सम लगाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपका काम कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे सम फार्मूला आपको दो बार बता दिया गया, अब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, परसेंटेज, चलिए परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज के लिए क्या होता है, परसेंटेज भी दो तरीक़े से निकालते हैं। जैसे आप सिंपली परसेंटेज की बात करें तो इक्वल टू क्या करते हैं आप, टोटल मार्क्स भागे, अब देखते हैं कितना सब्जेक्ट है, एक दो तीन चार पाँच, पांच सब्जेक्ट है तो आप पांच से डिवाइड कर देते हैं, यही ना तरीका है। टोटल मान लीजिए आप 10 मार्क्स लिए और यहाँ पर भागे कर दिए और पाँच कर देंगे, तो ये तो सिंपल तरीका हो गया। देखिए यहाँ से परसेंटेज निकल गया, चलिए ठीक है, ये तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, ये सिंपल तरीका ये, हालांकि सब कोई जानता होगा। लेकिन एक तरीका क्या है जो बेस्ट है तरीका, जैसे इजकल टू, देखिए ये वाला नंबर जो ऑप्टेन मार्क्स इनटू 100, ध्यान से देखिएगा, ये मार्क्स इनटू 100 और फिर डिवाइडेड बाई कितना, एक दो तीन चार पाँच, पांच सब्जेक्ट है और सब क्या है 100-100 नंबर के हैं, तो टोटल 500 नंबर हुआ, ठीक है, तो 500 दे देंगे, मतलब एक सब्जेक्ट 100-100 नंबर का है तो पांचों सब्जेक्ट मिलके 500 नंबर के होंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 500 दे देंगे और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये तरीका बिल्कुल सही है। यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको निकाल के दिखा दें हम, ये भागे पाँच, तो सेम आएगा आंसर, तो ये शॉर्ट है। लेकिन मेरा कहना है कि आप यही फार्मूला अपनाइएगा, जैसे ये इंटू 100, अगर पांच सब्जेक्ट है तो डिवाइडेड बाई 500। अब परसेंटेज पे बहुत सारे डेटा बनाएंगे हम, जो ये परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, इस फार्मूला पे बहुत डेटा बनाया जाएगा जो आपको पता चल जाएगा और आपका क्लियर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों परसेंटेज भी हो गया, परसेंटेज को भी हम फिल कर देते हैं। यहाँ पर अब परसेंटेज निकाल लिया गया और यहाँ पर जो एक्सेल छोड़े थे इस सभी को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, स्टूडेंट रिजल्ट्स, स्टूडेंट रिजल्ट्स। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे यहाँ से, और आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट भी बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट बदलने के बाद यहाँ पे आप जो भी कलर करना है कर सकते हैं, और इसको भी आप चाहें तो थोड़ा सा हेडिंग के लिए बना सकते हैं। ये सब आपको करना बेसिक बता दिया गया है, आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे अरेंज करना है। इसको एक टेबल में भी कर लेते हैं, यहाँ से जाएंगे ऑल बॉर्डर लगा देंगे, यहाँ पर बॉर्डर में अच्छा लगने लगेगा। और दोस्तों एक बात है कि यहाँ पे डिवीज़न की बात आती है, डिवीज़न निकालने के लिए उसके पहले आपको इफ़ फार्मूला एक होता है, इफ़ फंक्शन, उसको पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इफ़ फंक्शन हम तभी बताएंगे जब आपको ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, पहले उसको बेसिक लेवल से क्लियर करेंगे तभी आप इफ़ फार्मूला जो है उसको समझ पाइएगा। क्योंकि ये बेसिक अभी डेटा बना रहे हैं हम लोग, बेसिक रिजल्ट बना है, एक बार आपको फाइनल भी रिजल्ट हम बनाना सिखाएंगे। फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, डिवीजन फाइनल रिजल्ट कैसे निकलता है, उसके लिए इफ फार्मूला जानना जरूरी है, कुछ फार्मूला जानना जरूरी है तभी जाके वो समझ में आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।